हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एडुकेशन चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करी स्टैंडर्ड सारण चैप्टर नंबर 6 नॉमेडिक एंड डेनोटिव फायर ट्राइब्स क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विथ विच टाइप ऑफ लेगेसी इन इंडिया अ कंट्री। तो इंडिया इज अ कंट्री विथ अ डाइवर्स कल्चरल लेगेसी, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिख के रखा है, तो अगर आप चाहो तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर कॉल्ड नॉमेडिक एंड डेनोटिव फायर ट्राइब्स। द कैस्टर्स माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ऑक्यूपेशन एज वॉल्स लाइवलीहुड आर कॉल्ड नॉमेडिक एंड डेनोटिव फायर ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड नॉमेडिक एंड डेनोटिव फायर ट्राइब्स गेट द रिस्पेक्टेबल स्टेटस एंड एज अ डेनोटिव फायर ट्राइब्स। In 1952, the government of India liberated these nomadic and denotified tribes from the Black Act of the Criminal Tribes Act 1871 enacted by the British government. They got the respectable status government. They got the respectable status as the denotified tribes. Chalo. Question number four mein hamara jayega. How did some nomadic tribes used to buy and sell the goods? तो इसका आंसर आप लोग का जाएगा, सम नॉमेडिक ट्राइब्स यूज टू इम्पोज गुड्स ऑन देयर एनिमल्स, टेक देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बाय एंड सेल द गुड्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच एनिमल डिड सम नॉमेडिक एंड डेनोटिफाइड ट्राइब्स ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 5 का, सम नॉमेडिक एंड डेनोटिफाइड ट्राइब्स ट्रेड एनिमल लाइक सीप्स, गोट, हॉर्स, काउस, बफेलोस, डोंकी, कैमल, बुल्स, ऑक्सन एक्सेट्रा। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारा आएगा, विच थिंग डिड द नॉमेडिक एंड आइडेंटिफाइड ट्राइब्स कंगासिया एंड मोदवास यूज टू सेल। क्वेश्चन नंबर 6 का, द नॉमेडिक एंड आइडेंटिफाइड ट्राइब्स कंगासिया एंड मोदवास यूज टू सेल बैंगल्स, कॉम्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7, What was the distinctive identity of the some nomadic and denotified tribes? तो क्वेश्चन नंबर 7 का, लैंग्वेज, सोशल अफेयर्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ सम नॉमेडिक एंड डेनोटिफाइड ट्राइब्स वेर इंडिकल आइडेंटिकल बट टू लैक ऑफ स्टेबल सोशल सिस्टम दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ डिफरेंट लेवल कंपेयर टू अदर सोसाइटीज एंड दैट वॉज देयर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी। चलो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 8, विच ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द नॉमेडिक ट्राइब्स ऑफ गुजरात। इसका आंसर जाएगा, द ट्राइब्स लाइक बजानिया, गरुदी, फिर वंशफोडा, भवैया, रवालिया, कंगासिया, चंथा, सलात एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द नॉमेडिक ट्राइब्स ऑफ गुजरात। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द आइडेंटिफाइड ट्राइब्स ऑफ गुजरात। द ट्राइब्स लाइक छरा, डफर, मियाना, वगैरह, वाघा, देवी पूजक, सांधी एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन द आइडेंटिफाइड ट्राइब्स ऑफ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डन फॉर नॉमेडिक एंड आइडेंटिफाइड ट्राइब्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीटेड पार्ट फॉर डेवलपमेंट फिर ऑफ नॉमेडिक एंड आइडेंटिफाइड ट्राइब्स फॉर बाय इंक्लूडिंग देम इन द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स। चलो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जाएगा, वेयर इज देवी पूजा आइडेंटिफाइड ट्राइब्स फाउंड इन गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 का, इन गुजरात देवी पूजा आइडेंटिफाइड ट्राइब्स इज फाउंड द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट, सबसे ज्यादा वो स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑक्यूपेशन डस देवी पूजक लाइब्रेटेड ट्राइब इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जाएगा, देवी पूजक लाइब्रेटेड ट्राइब इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेडिंग वेजिटेबल्स। इन एडिशन टू दिस दे ऑल्सो डू सम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 13, हु आर कॉल्ड वंजारस। वंजारस किसे कहते हैं, द पीपल एसोसिएटेड विथ वंजार आर कॉल्ड वंजारस। चलो क्वेश्चन नंबर 14 से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए।